इस्लामिक देशों में नहीं कोई एतराज, अपने ही घर में विरोध की आवाज, मुस्लिम संगठनों ने उठाए सवाल, योग दिवस पर मच रहा बवाल, योग पर विवाद क्यों? सोचिए पूरी दुनिया में क्या तस्वीर बनेगी अपने देश की। एक तरफ तो हम योग को संयुक्त राष्ट्र के जरिए पूरे विश्व में ले जाने में लगे हैं, वहीं दूसरी ओर अपने ही घर में इसके विरोध का बिगुल बज रहा है। धर्म के नाम पर धुआं उड़ाकर कुछ धार्मिक संगठन इसे विवाद। इस्लामिक देशों में नहीं कोई एतराज, अपने ही घर में विरोध की आवाज, मुस्लिम संगठनों ने उठाए सवाल, योग दिवस पर मच रहा बवाल, योग पर विवाद क्यों? दरअसल 21 जून को होने वाले योग दिवस को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत कुछ अन्य संगठनों ने विरोध जताया है। इनका कहना है कि सूर्य नमस्कार और दूसरे मंत्र इन्हें इसकी इजाजत नहीं देते। 21 जून ये वो दिन है जिसे बड़ी शिद्दत से संयुक्त राष्ट्र सभा ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में स्वीकार किया। इसलिए तो ये केवल तारीख नहीं बल्कि तासीर है हिंदुस्तान की, जिसकी तस्वीर में सिमट जाएगी सारी दुनिया कपाल भांति की भांति। लेकिन अब इसे दुर्भाग्य कहें या धर्म के नाम पर सेंकने वाली सियासी रोटियां, योग को मजहब के लिबास में लपेटा जा रहा है, सेहत की जगह सियासत ने ले ली। मंत्र उच्चारण जो है योगा का वो एक पार्ट है, और जो मंत्र उच्चारण है वो हिंदू धर्म का पार्ट है, किसी और देश में वो लागू नहीं है। तो कोई अपने मन से करे तो कोई इतराज नहीं है, लेकिन कोई सरकार किसको बाध्य करे हिंदू धर्म के किसी मंत्र का उच्चारण करने के लिए, तो हमारा कहना ये कि संविधान का उल्लंघन है, सेकुलर स्वरूप का उल्लंघन है, और कोई हमको कंपेन नहीं कर सकता जब तक ये संविधान है। अनुलोम विलोम का आसन लगेगा अंतरराष्ट्रीय पटल पर, लुटियन की दिल्ली में दुनिया देखेगी नजारा, राजपथ पर योग दिवस का रंग बिखरेगा, लेकिन मजहब का रंग गाढ़ा हो रहा है लगातार। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मन है कि मानने को तैयार ही नहीं। बोर्ड ने इस मौजू को भी लिया है कि जो कि सूर्य नमस्कार हो या और इस किस्म के जो मसले हैं उसकी इस्लाम में इजाजत और परमिशन नहीं है, इस वजह से बोर्ड ने इस बात की वजाहत की है। सूर्य नमस्कार पर सवाल उठे तो सरकार खुद दो कदम पीछे हट गई, सूर्य नमस्कार को हटा दिया ताकि सियासत ना हो। लेकिन यही तो समस्या है अपने देश की, समस्या पर सियासत, मुद्दों पर सियासत, मजहब के नाम पर तो सियासत ही सियासत, योग भी सियासत का शिकार हो गए। मैं समझता हूँ कि जहाँ तक सेहत को लेकर के योगा करने का ताल्लुक है, किसी को भी इस पर ना एतराज है और ना होना चाहिए, लेकिन कुछ पहलू इसके ऐसे हैं जहां रिलीजियस सेंटीमेंट्स सामने आ जाते हैं। मैं समझता हूं वहां किसी भी तरह का दबाव किसी पर डालने की जरूरत नहीं है। इसको कंपलसरी करना जिस तरह से कहीं कहीं किया जा रहा है, तो मैं समझता हूं कि ये जबरदस्ती थोपने की कोशिश नहीं करना चाहिए। योग का मतलब ही होता है जोड़ना, हम दुनिया को जोड़ रहे हैं, यही तो योग है। माननीयों को मौका मिल गया, वैसे वो नेता ही क्या जो मौका गवा दे, योगी जी का योग भी सुन लीजिए। सूर्य को वह सांप्रदायिकता के दायरे में ला रहे हैं कि मुझे उनकी बुद्धि पर हंसी आती है, और मेरी उनसे प्रार्थना होगी कि उनको फिर सूर्य की रोशनी भी नहीं लेनी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी नहीं लेना चाहिए, और उसी प्रकार से कैद होकर के घरों में बिलों में बंद रहना चाहिए दिन के समय में। बहरहाल ईरान से लेकर पाकिस्तान तक इस्लामिक देशों में किसी को एतराज नहीं योग दिवस से, लेकिन ये तस्वीरें दर्द देती है जहां अपने ही आंगन से आती हो विरोध की आवाज। आखिर क्यों योग पर सजाया जा रहा है मजहब का मंच, सवाल ये है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली, समाचार प्लस। तो 21 जून को होने वाले योग दिवस को लेकर कुछ मुस्लिम संगठन विरोध जता रहे हैं, और सवाल ये उठ रहा है इस बीच कि आखिर योग पर विवाद क्यों है। हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी जुड़ चुके हैं, इसके अलावा भी और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन अमिताभ जी, सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या योग पर विवाद ठीक है? नहीं, देखिए योग पर विवाद जी, मुझे लगता है कि इसमें राजनीति का प्रमुख अंश है। जी जी, अन्यथा ये एक शारीरिक क्रिया है। रही बात सूर्य नमस्कार की, आप सूर्य नमस्कार के नाम पर आपत्ति है अगर, तो उस नाम को हटा दें, उसकी क्रियाओं से तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि वो शारीरिक क्रियाएं हैं।
आप सूर्य की ओर मुंह करके नहीं करना चाहते हैं, दूसरी तरफ मुंह करके कर सकते हैं। तो वो जो एक संशय है, वो जो एक संकोच है, वो जो एक दुविधा है, वो भी समाप्त हो जाएगी। आज से जब हम लोग छोटे थे तो स्कूलों में फिजिकल ट्रेनिंग होती थी, उसमें टीचर तमाम तरह के कर्तव्य करवाते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बच्चे करते थे, कभी सवाल ही नहीं आया। योग किसी भी मजहब का पेटेंट नहीं हो सकता, होना भी नहीं चाहिए और है भी नहीं। विशुद्ध शारीरिक क्रिया को भी अगर हम मजहब से जोड़ दें और कहें कि देखिए इसमें सरकार जाति कर रही है, यह संविधान का उल्लंघन कर रही है, तो मुझे लगता है यह चीज थोड़ी सी अतिवाद है। यह एक अच्छी क्रिया है। आखिर इस देश में जैसे जैसे लाइफस्टाइल से जुड़ी विसंगतियां आई समय के साथ, वैसे वैसे फिजियोथेरेपी का चलन बढ़ा कि नहीं बढ़ा? फिजियोथेरेपी भी एक अपने किस्म का योग है, उसमें वैज्ञानिक मशीनों का भी इस्तेमाल होने लगा, बस इतना ही सा फर्क है, उस पर तो आपत्ति नहीं। आपका शरीर निरोग कैसे रहे, मन और शरीर के बीच में संतुलन कैसे रहे, इसका विज्ञान है योग। इस पर अगर आपत्ति है तो मुझे लगता है कि ये आपत्ति तो राजनीति प्रेरित है, ये हमारी उस मानसिकता का परिणाम है। और सबसे बड़ी बात क्या, जब विश्व की सबसे बड़ी संस्था ने भारत के प्रस्ताव पर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया, क्या आपने सुना कि किसी भी देश ने वहां आपत्ति दर्ज कराई? नहीं ना, किसी भी राष्ट्र की ओर से आपत्ति नहीं आई। दुनिया में इतने मुस्लिम राष्ट्र हैं, और अगर आपत्तियां आती तब शायद संयुक्त राष्ट्र के लिए संभव नहीं था कि वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित कर देता। भारत का लाख इसरार होता, लाख आग्रह होता, लाख मनुहार होती, फिर भी संभव नहीं था। वहां आम सहमति से यह निर्णय हुआ। इसका अर्थ किसी भी मुस्लिम राष्ट्र ने, जहां मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी है, उसने इसका विरोध नहीं किया। लेकिन जिस धरती से योग पैदा हुआ, पतंजलि जहां पैदा हुए, उस धरती पर इसका विरोध, और विरोध भी किन कारणों से कि जी हमारा मजहब इस बात की इजाजत नहीं देता। मुझे लगता है कि यह निर्णय सरकार का ठीक था कि चलिए सूर्य नमस्कार को डिलीट करिए उस कार्यक्रम से, अब तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब पूरी शिद्दत से, पूरी एकता से, पूरे सद्भाव से योग दिवस मनाया जाना चाहिए, लगे कि पूरा हिंदुस्तान मना रहा। ये हिंदू और मुस्लिम के बीच में शरीर को मत बांटिए, जैसी देह हिंदू की वैसी ही देह मुसलमान की, वैसी ही देह सिख की जैसी देह ईसाई की, वही व्याधियां, वही उन व्याधियों से बचने के उपाय, वही एहतियाती उपाय शरीर के सब में है। आप और किसी ने बड़ी अच्छी बात कही, नमाज में भी जो तमाम किस्म की शारीरिक अवस्थाएं हैं, मुद्राएं हैं, वो भी एक तरह का अपना योग है जी। इसमें मुझे नहीं लगता। हां, इतना जरूर है, दोनों पक्षों को यह ध्यान रखना चाहिए, जो हिंदूवादी वो हैं, संगठन हैं, वो योग पर, योग दिवस को अपने विजय दिवस के रूप में प्रचारित नहीं करें, और जो अल्पसंख्यकों के संगठन हैं, वो इसमें नाहक संशय और दुविधा की स्थिति पैदा नहीं करें। इस तरह के वक्तव्य भी नहीं आने चाहिए कि जो योग से सहमत नहीं, जिनको सूर्य नमस्कार पर आपत्ति, वो लोग देश छोड़ के चले जाएं। इस तरह के वक्तव्य और कटुता पैदा करते हैं। सबको इसी देश में रहना है, और अगर कोई चीज अच्छी है आदमी की सेहत के लिए, तो फिर वो सबको माननी चाहिए। इसमें क्या प्रॉब्लम है? हम लोग हर चीज में क्यों खेमेबंदी करना चाहते हैं? ये अयोध्या में मंदिर और मस्जिद का मसला तो नहीं ना, तो आइए थोड़ा हाथ पांव हिला ले, कंधों की जकड़न दूर हो जाएगी, पेट का हाजमा दुरुस्त हो जाएगा, इसमें क्या समस्या है? और विश्व को एक संदेश जाएगा, अच्छी बात है। और भी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष शिवप्रताप शुक्ला जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हमारे साथ शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना यासूब अब्बास भी हैं, और उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम के अध्यक्ष आबिद रजा खान जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हमारे साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य जफरयाब जिलानी साहब भी हैं,
और साथ ही अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी जी महाराज भी जुड़ चुके हैं। जिलानी साहब, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी, जब विश्व पटल पर कोई आपत्ति नहीं तो फिर आप लोग देश में क्यों आपत्ति दिखा रहे हैं योग को लेकर? आजकल भी NCC होती है, PRD होती है, इस तरीके के व्यायाम की फिजिकल एक्सरसाइजेस के बहुत से प्रोग्राम होते हैं, किसी में कोई संस्कृत का मंत्र का उच्चारण नहीं होता है। आप ये बात राजस्थान हाईकोर्ट में, जहां हमने रिट पिटीशन मुसलमानों ने फाइल की है, जिसमें हमने लिखा है कि ये हिंदू रिलीजन का एक पार्ट है, हिंदू वर्शिप का एक तरीका है, और वो रिट फाइल हुई है राजस्थान गवर्नमेंट के 3 फरवरी 2015 के आदेश के खिलाफ। वहाँ पर आप ये लिखवा दीजिए कि ये इसमें हिंदू वर्शिप का कोई तरीका नहीं, ये हिंदू वर्शिप का पार्ट नहीं है, केवल व्यायाम है, मसला ख़त्म हो जाएगा। आप तो एक तरफ खुद कह रहे हैं कि पातंजलि के संत पातंजलि के दिए हुए ये वो इनके फाउंडर थे, वो इसके जनक थे, और उनकी किताब जो है योग दर्शन, उसमें इसको हिंदू धर्म की वर्शिप की एक तरीका बताया गया है। तो जब आप खुद आपका 2000 साल का लिटरेचर ये कह रहा है कि हिंदू धर्म का की वर्शिप का ये एक भाग है, तो फिर आप कैसे हमसे कह रहे हैं कि केवल व्यायाम है? जहाँ पर कि आप मिसाल दे रहे हैं, आप वहाँ क्यों जाते हैं? हिंदुस्तान में ही हजारों लाखों मुसलमान अपने फिजिकल एक्सरसाइज के तौर पर बहुत सी योग की एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन वो अपने मन से करते हैं और कोई संस्कृत के मंत्र का उच्चारण नहीं करते हैं। और जो आप प्रिस्क्राइब कर रहे हैं स्कूलों में कॉलेजों में, वो आप कर रहे हैं अपना उसका रिलीजियस का पार्ट। तो आपने खुद इसको रिलीजन से जोड़ा है, अमेरिका में ये रिलीजन से नहीं जोड़ा है, इंग्लैंड में रिलीजन से नहीं जोड़ा है, सऊदी अरब पाकिस्तान में इसका कोई ताल्लुक हिंदू धर्म से नहीं है। लिहाजा एक्सरसाइज के तौर पर आप करते हैं इसको, तो कोई आपत्ति की बात थी ही नहीं। आपने खुद उसमें वो चीज़ें शामिल की हैं, और अभी हमारे उन्होंने कहा कि साहब मंत्री किसी ने बयान दे दिया है कि सूर्य नमस्कार हट गया। अरे कहाँ से बयान दे दिया भाई? आप उसमें सरकारी कागज जो आपने जारी किया है 3 फरवरी 2015 का, आप उसको अमेंड करिए, उसमें लिखा हुआ है सूर्य नमस्कार। और जो लोग सर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे के भी मुकर सकते हैं, क्या उनके जबानी बयान पर कोई बात तय कर लेंगे? आपको अगर इतने सिंसियर हैं तो आप राजस्थान सरकार से हलफनामा दाखिल कराइए, वहां पर रिट दाखिल है, रिट में 3 सुनवाई हो चुकी है और 29 जून उसमें तारीख लगी है, 29 जून एडवोकेट जनरल अपीयर हुए हैं, जो उसकी मुखालफत कर रहे हैं, तो एडवोकेट जनरल साहब वहाँ हलफनामा दाखिल करवा दें। ठीक है, सूर्य नमस्कार इसमें नहीं है, हम इसको अमेंड करते हैं। जिलानी साहब, ठीक है, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई मित्र, जिलानी साहब आपकी बात आपकी बात आ गई। मैं जिस बात का उल्लेख कर रहा था, शायद उसको कम्युनिकेट करने में कहीं दिक्कत रही मुझे। भारत सरकार के मंत्री श्रीपाद येशो नायक, जो 21 जून के इस कार्यक्रम के प्रभारी हैं, नोडल मिनिस्ट्री है जिनकी, उनका वक्तव्य आया कि सूर्य नमस्कार उस योग दिवस का हिस्सा नहीं होगा। मैं राजस्थान सरकार की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं 21 जून को जो विश्व योग दिवस है उस पर यह विड्रॉ हो गया, अब टकराव का कोई इशू नहीं बचता, मंत्र पढ़े कोई, ये सरकार का काम नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैंने कभी नहीं इसकी वकालत की कि मंत्र पढ़े ये सरकार बताए या कुरान पढ़े ये सरकार बताए, हम मंत्र पढ़े चाहे कुरान पढ़े, हमको दिक्कत क्या है इसमें, जनता का निर्णय है। लेकिन योग के नाम पर तलवारें खिंच जाए तो वहीं पर है ना, ये ठीक नहीं। चक्रपाणी जी महाराज, मैंने जितना हिंदू धर्म समझा, हमारे बड़े काबिल मित्र हैं जिलानी साहब, मैं उनका बहुत एहतराम करता हूं, उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में ये पूजा का की एक व्यवस्था है। मैंने जितना हिंदू धर्म को समझ पाया है, मैं मुझे लगता है कि शायद योग की विभिन्न मुद्राएं हिंदू धर्म में किसी पूजा पद्धति का हिस्सा नहीं। चक्रपाणी जी, देखिए अग्निहोत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे हिंदू धर्म में एक विशेषता है कि हम प्रकृति के प्रति सम्मान हम व्यक्त करते हैं, और योग आत्मा और परमात्मा को जोड़ने का नाम है, शारीरिक तो बाद में, सिर्फ पेट हिलाने का नाम और एक्सरसाइज इसको नहीं कर सकते, व्यायाम करके इसको कम रूप से नहीं आ सकते। और दूसरी बात, जिस प्रकार से बात उठ रही है कि सूर्य नमस्कार नहीं करना, तो सूर्य नमस्कार को अगर योग से हटा दिया जाए तो उसी प्रकार से होगा जैसे किसी व्यक्ति के शरीर से सर को हटा दिया जाए। और जिन संगठनों
दोनों को एतराज है, हमें लगता है उनके मानसिक रूप से निश्चित रूप से कहीं न कहीं उनकी कमी है। उनसे अगर जो सीखना हो तो जाकर के इंडोनेशिया में देखे, वहां के मुसलमान रामलीला करते हैं, राम सीता की पूजा करते हैं, वो तो उनका धर्म तो नहीं बदल जाता। सवाल इस बात का है कि हमें सम्मान करना होगा जो सूर्य पूरे पृथ्वी को ऊर्जा देने का काम करता है, जो हमें ये पूरी प्रकृति हमें देता है। किस ग्रंथ में लिखा है कि उसका हम सम्मान न करें, किस ग्रंथ में लिखा है कि हम उसको अभिवादन न करें? तो हम तो अभिवादन सूर्य को करके और उसके बाद योग करते हैं और उसके बाद शरीर भी हमारा स्वस्थ रहता है, मन भी स्वस्थ रहता है। तो हमें लगता है ऐसे लोगों को योग करने की बहुत आवश्यकता है और खासतौर से सूर्य नमस्कार करने की आवश्यकता है जिसकी मन स्थिति खराब है, क्योंकि सबसे पहले मन को ठीक करने के लिए जरूरी है कि दूसरे का अभिवादन करो, दूसरे का सम्मान करो। जब तक आप प्रकृति का सम्मान नहीं करते जो सबको देता है, तो निश्चित रूप से आपका शरीर स्वस्थ नहीं होगा। आपकी बात आई चकमान जी। आबिद रजा खान साहब, ये हर छोटे बड़े मसले पर हम लोग तलवारें खींच के मैदान में क्यों आ जाते हैं? क्या भारत में इंटॉलरेंस इस लिमिट तक पहुंच गई कि कोई मुद्दा, कोई मसाइल सद्भाव से हल ही नहीं हो सकता? हर पे रार, हर पे टकराव। देखिए जनाब, जो नीतिकार हैं हमारे देश के, उनको ये समझना चाहिए कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब रहते हैं। नीतिकारों को ये चाहिए नीति बनाते समय इस बात का ख्याल रखें कि किसी भी धर्म समुदाय के लोग को कोई ठेस ना पहुंचे। जिलानी साहब की बात से मैं 100% सहमत हूं। और जहां तक हमारे भाई ने ये बात अभी कही, हम एक खुदा के मानने वाले हैं जिसने सूरज भी बनाया है और चांद भी बनाया है, ये जमीन भी बनाई है और आसमान भी बनाया है। जब हम उसकी इबादत करते हैं, उसके आगे शीश को नवाते हैं, तो फिर सूर्य नमस्कार कैसे कर सकते हैं? अगर गंगा पानी, अगर गंगा का आदर ना करे मौलाना साहब, अगर गंगा के पानी से हमारा जीवन चल रहा है, तो हम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई हो, गंगा मेरे लिए सलाम के काबिल है कि नहीं है? बिल्कुल है। अगर किसी पेड़ से हमको ऑक्सीजन मिल रही है, फल मिल रहे हैं, जीवन मिल रहा है प्रकृति से, तो वो प्रकृति हमारे सम्मान की हकदार है कि नहीं है? या उसमें भी मजहब है कहीं? कोई मजहब नहीं है इसमें जी साहब। असल में अमिताभ भाई मजहब के ठेकेदारों ने सामने बोल लगा रखा है मजहब का, सामने बोल लगा रखा है इस्लाम का, और मजहब के ठेकेदारों ही ने मजहब को बदनाम कर रखा है। आज जो दुनिया में जितना मजहब बदनाम हो रहा है, वो मजहब के ठेकेदारों की वजह से बदनाम हो रहा है। और ये ठेकेदार जब तक के ठेकेदारी छोड़ेंगे नहीं, तब तक के इस्लाम बदनाम होता रहेगा। जिलानी साहब, को कोई और बदनाम नहीं करो, इसको हम बदनाम करें। जिलानी साहब, जो चीजें आदमी को इस धरती पर जीवित रखने में योगदान दे रही हैं, उन किसी भी चीज को सलाम करने से क्या कोई धर्म, कोई मजहब खतरे में पड़ता है? साहब, इस्लाम का अकीदा, मैं नहीं जानता कि आशु और बाद साहब किसकी तरफ से बात कह रहे हैं कि सूर्य को नमस्कार करना जो है वो इस्लाम के खिलाफ नहीं है। ठीक है, इनकी राय हो सकती है। इतना शरीर का मसला ये अगर है, तो कल सारिक साहब का ये ख्याल अगर होता तो वो बोर्ड में इस पर खराब करते मौजूद थे वो। बहरहाल मैं इस पर इश्तिहार नहीं पढ़ूंगा कि इनका क्या है। सूरत को हम खुदा नहीं मानते, बोर्ड में नुमाइंदगी करते हैं। सूरत को जिलानी साहब, आप भाई है मेरे, मैं सूरत को खुदा नहीं मान रहा हूँ। फिर उसको सलाम कैसे करें? सूर्य को नमस्कार अगर कोई कर रहा जब जिलानी साहब मुझे समझाइए, क्या जिसको हम हमसे करवाया जा रहा है? नहीं जिलानी साहब, क्या जिसको हम खुदा नहीं माने उसको किसी को सलाम नहीं करेंगे जी? तब उसमें अब्बा भी आ जाएंगे, अम्मी भी आ जाएंगी। नहीं, ये देखिए अग्निहोत्री साहब, आप बहुत नहीं नहीं आप बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, मैं आपकी बड़ी कदर। उसमें टीचर आ जाएंगे हम लोगों के। फर्क समझ लीजिए और जानते हैं फर्क को। जो सूर्य नमस्कार किस तरह करवाया जा रहा है, उसको भगवान समझ कर करवाया जा रहा है। किसी बाप को, किसी माँ को भगवान नहीं समझा जाता है। दोनों में बड़ा फर्क है। आप सूर्य नमस्कार का कंसेप्ट जो आपकी हिंदू मैथोलॉजी में, उसको सामने रखिए। हम लोग कोई जाहिल नहीं है, हमने हिंदू मैथोलॉजी को कोट किया अपनी रिट पिटिशन ने। आप उससे इनकार कर दीजिए कि नहीं, हमारी ये मैथोलॉजी नहीं है, हम सूर्य को भगवान नहीं समझते। आप कह दीजिए इस बात को, हिंदुओं से जवाब भी दिलवा दीजिए और एक बात आप समझ लीजिए,
हमने 21 जून को सामने रख के कोई तजवीज़ नहीं पास की है। 21 जून का कोई जिक्र ही नहीं हमारी तजवीज़ में। हमने राजस्थान हाईकोर्ट, राजस्थान सरकार का जो आदेश है 3 फरवरी 2015 को जी, उसको सामने रख के तजवीज़ पास की है, जिसमें सूर्य नमस्कार और दोनों चीजें मौजूद है। अगर आप बड़े काबिल वकील, अगर यो सूर्य नमस्कार को अपन बिल्कुल कंप्यूटर की भाषा में डिलीट मार दे, तब तो योग में कोई दिक्कत नहीं किसी को हिंदुस्तान में? नहीं देखिए, सुन लीजिए ना, हमारे आप जिसको डिलीट मारना समझ रहे हैं कोई केंद्र के वजीर का, उससे वो राजस्थान सरकार का आदेश नहीं खत्म होता है। वो अलग मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, मेरा निवेदन सिर्फ ये था, राजस्थान की सरकार का निर्णय वो अलहदा विषय है। अभी हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत के प्रस्ताव पर स्वीकृत हुआ, उसका मान भारत में रहना चाहिए, विवाद नहीं होना चाहिए। आप समझ लीजिए, हमने कहीं पर नहीं कहा है कि 21 जून को कोई लोग योग में न जाएं, हमने कहीं पर नहीं कहा 21 जून का आर्डर कोई चैलेंज नहीं है। आप 21 जून को क्यों जोड़ रहे हैं राजस्थान की सरकार से और हमारे रेजोल्यूशन से? हमारा एतराज जो है वो धार्मिक उस पर है। जिलानी साहब, आज की तारीख में जिलानी साहब, आज की तारीख में मोदी जी योग न करें, आज की तारीख में जेर बहस जो मुद्दा है वो 21 जून है। आबिद रजा खान, वही सवाल आपसे, अगर सूर्य नमस्कार को डिलीट कर दिया जाए तब तो कोई विवाद नहीं, कोई रार नहीं, कोई टकराव नहीं? देखिए, नीत और नियत देखी जाती है। यहाँ पर भारत सरकार या उनके कारिंदों की नियत में खोट नजर आती है। गिलानी साहब की बात से मैं सहमत हूँ, ये खोट जब तक दूर नहीं होगी हमें पिक्चर साफ नहीं दिखेगी। अच्छा, हम कोई निर्णय आबिद रजा खान साहब, एक सवाल आपसे कर लूं। आप अभी मैं खबर चलवा के आया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने श्री श्री रविशंकर से बात की और उनसे कहा कि हम बड़े आभारी रहेंगे, 21 जून को आप लखनऊ आके यहां के आईएएस और आईपीएस अधिकारी जो हैं इनको सुदर्शन क्रिया थोड़ा कराइए ताकि इनका दिमाग भी दुरुस्त रहे, शरीर भी दुरुस्त रहे, और उन्होंने हामी दे दी। आप उस सरकार का हिस्सा हैं, वहां मंत्री हैं, आबिद रजा खान यहां इस्लाम खतरे में नहीं आया? सुदर्शन क्रिया भी फिर हिंदुत्व की प्रतीक हो जाएगी, तब क्या करेंगे? इस मुद्दे पर बहस कराइए, उसका भी जवाब देंगे। ना अभी दे दीजिए आबिद रजा खान, अभी दे दीजिए जवाब। अब आपके मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? तय नहीं किया है। ना बुलाया है अखिलेश जी ने, उनको वहां कीर्तन करने नहीं बुलाया, योग करने के लिए बुलाया है सरकार ने, बुलाया उत्तर प्रदेश की सरकार, सेकुलर नहीं रही होगा तो हम जवाब देंगे। अरे मित्र आबिद रजा खान साहब, हम भी समझ रहे हैं, तुम भी समझ रहे हो, कोई क्या जवाब आएगा हमको पता है, बुलाना था जिन्होंने बुला लिया। श्री श्री रविशंकर जाएंगे और आप सब फूल माला लेके खड़े रहेंगे एयरपोर्ट पर। सरकार ने फैसला कर लिया, मुख्यमंत्री ने, आप उसके विरोध में बोल पाएंगे? वहां मजहब खतरे में नहीं आ रहा खान साहब? देखिए, इस वक्त का मुद्दा आपका योग पर है और हम वो भी योग के लिए 21 जून को बुलाया, कीर्तन के लिए नहीं बुलाया, ना हवन करा रहे हैं वो सचिवालय में। इक्कीस तारीख को है, 21 को बुलाया है योग कराने कलेक्टर आईएएस और आईपीएस को। मैं प्रामाणिक जानकारी दे रहा हूं मित्र, हमारे यहाँ योग का मतलब वर्जिश से माना जाता है। अरे मैं जो कह रहा हूँ उसका जवाब दे दो, सरकार से क्या बोलोगे अब आप वो बता दो। नहीं, अभी स्थिति साफ नहीं है कि वहां सूर्य नमस्कार होगा कि नहीं होगा। अरे सुदर्शन क्रिया कराते हैं वो तो और खाटी हिंदू मामला है। सुदर्शन तो चक्र था भगवान का, विष्णु का, तब क्या करोगे वहां? तो चलो जानकारी आपके जरिए हमें पता, मैं दे तो रहा हूँ, करेंगे क्या बात, मालूम कर लिया, पता लग गई मेरी जानकारी गलत होगी तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। आबिद रजा खान साहब, आप तय कर लो आप क्या करोगे, आप तय कर लो, आजम खान साहब क्या करेंगे, आप लोग तय कर लो। हम वो करेंगे जो हमारा मजहब बताएगा। तो मैंने बताया ना, आप बताओ सब, आप देश को बताओ, आप
के मुख्यमंत्री ने श्री रविशंकर से कहा कि आप आके हमारे देश प्रदेश चलाने वाले, इनको थोड़ा शरीर और मन इनका स्वस्थ करो। भाई कसरत और वर्जिश योग कराएंगे, मतलब माना जाता है। मैं फिर रिपीट कर दूं, जाके कल तक आपके पास कागज भी पहुंच जाएगा। योग कराएंगे जिसमें सुदर्शन क्रियाएं शामिल होंगी। याद कर रहे हैं ना, याद कर रहे हैं। और यही कागज मतलब रजा खान साहब, यही कागज दिखा दिया तो आप क्या करेंगे बोलिए? 21 करोड़ लोग सुन रहे हैं, बता दीजिए, अभी फैसला हो जाए। हमने आपको बताया ना? नहीं, आप बता दो आप क्या करोगे। बिल्कुल सही, हम अपने आप सरकार छोड़ देंगे। हम अपने नेता पर यकीन करते हैं। अरे मैंने कहा, अपने नेता पर विश्वास रखते हैं कि वो हमारी भावनाओं के साथ। मैंने क्या कहा, मान लीजिए ऐसे, मैं आपको कागज, आप कल तक इंतजार कीजिए, आपको सरकारी कागज पहुंच जाएगा 21 जून का, उसमें कौन सी दिक्कत है? तब आप इस्तीफा दे देंगे। इस्तीफे की बात कहाँ आती है? अच्छा तो इसमें आ रही है, इसमें ना ना ना, ये दो दोहरी बात नहीं करिए, एक नपने से नापिए सर को भाई, जो बात रही। शिवप्रताप जी कहते हैं, ठीक है आमिर भाई, आपके पास फिर आएंगे, आपके पास फिर आएंगे। शिवप्रताप जी, सूर्य नमस्कार और सुदर्शन योग की सुदर्शन क्रियाएं, इनमें अंतर क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार ने वो कराने का निर्णय लिया है अपने नौकरशाहों के लिए, और उन नौकरशाहों में फिर हर मजहब के लोग हैं उत्तर प्रदेश में नौकरशाह। देखिए सूर्य नमस्कार और इसमें खास अंतर नहीं है, अंतर सिर्फ इतना है कि जैसे हम ओम मित्राय नमः पहला मंत्र कहते हैं सूर्य नमस्कार में, नहीं उसमें कहते हैं। कुल मिलाकर के अगर विरोध मंत्र का है तो मैं जिलानी साहब से भी कहता हूं, आविद साहब से भी कहता हूं कि अरे भाई सूर्य नमस्कार छोड़ करके, अब तो श्रीपाद नाइक ने बहुत साथ कह दिया कि सूर्य नमस्कार रखेंगे ही नहीं, लेकिन जो विश्व योग दिवस का एक दृश्य आया है जिस पर 177 देश कर रहे हैं, उस 177 देशों में अपनी सहमति तो बनाओ, भारत के नाम को तो रोशन करो, भारत के प्रधानमंत्री को तो धन्यवाद देना चाहिए कि उसने अपने देश की एक बात को पूरे 177 देशों में मनवा लिया, संयुक्त राष्ट्र ने मान लिया। इस पर भी राजनीति करोगे इस तरह से कि नरेंद्र मोदी है? अरे भाई यह देश एकं सद विप्रा बहुधा वदन्ति की बात कहा है। शिवप्रताप जी गायत्री ब्रेक लेना चाह रहे हैं, ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हम सारे मित्रों के लिए विषय अभी छोड़ दें, तब हम बात करेंगे अगर नरेंद्र मोदी की पहल पर योग ठीक नहीं तो उत्तर प्रदेश के नौकरशाहों के लिए श्री श्री रविशंकर जो योग कराने जा रहे हैं वो ठीक कैसे? दोनों का मसला है, नाम में फर्क है, एक का नाम नरेंद्र मोदी, एक का नाम अखिलेश यादव, सिर्फ इतना फर्क है। वो भी वही काम है कर रहे हैं, वो भी वही काम कर रहे हैं, एक का विरोध दूसरे पर मौन, ये कैसे चलेगा फिर? चक्रपाणी जी महाराज आपके पास आना चाहूंगी, वही सवाल जो अमिताभ जी ने ब्रेक पे जाने से पहले उठाया, अगर मोदी योग कराते हैं तो उनकी मंशा पर सवाल खड़ा होता है, लेकिन वही काम अगर उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया अखिलेश यादव करा रहे हैं तो उस पर कोई सवाल नहीं? देखिए ऐसा है, मैं तो स्पष्ट हमारी मान्यता है कि ये निश्चित रूप से राजनीति से प्रेरित है, और जो जो संगठन इस पे आपत्ति कर रही है वो मात्र एक सस्ती लोकप्रियता के लिए कर रही है और राजनीति के सारे पे कर रही है, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों की जांच करनी चाहिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने हमारी योग को मान्यता दी, पूरी इससे देश का सम्मान बढ़ा है, तो हमें लगता है पूरे देश के लोगों को इसमें मिलजुल करके हिस्सा लेकर के इसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो इसमें सूर्य नमस्कार कोई आपत्ति कर रहा है, कोई किसी भी पे लेकर के आपत्ति कर रहा है, तो निश्चित रूप से ये राजनीति से प्रेरित है और इनकी जांच करनी चाहिए, इन पे कार्रवाई भी करनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ। जी यासूब अब्बास जी, एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, अभी मैं ब्रेक से पहले सोच रहा था मौलाना साहब जी, मेरा ज्ञान मेरी जानकारी बढ़ाइए, मैं उसका जानकार नहीं, और मजहब का मामला बहुत सेंसिटिव होता है इसलिए बहुत फूंक के कदम रखना पड़ता है, क्योंकि मैं सबकी भावनाओं का बराबर सम्मान करता हूं, मेरे लिए सारे लोग जो भी हिंदुस्तान में हैं वो सब उतने ही प्रिय हैं। एक सवाल मेरे जहन में आया, लंबे समय तक हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत रही जी, बाबर से शुरू हुई और बहादुर शाह जफर रंगीले शाह रंगीले तक आके खत्म हुई,
इतनी लंबी श्रृंखला रही राजाओं बादशाहों की। हम लोगों ने जो पढ़ा, उस समय के इतिहासकारों ने जो लिखा, हम लोग तो कोई थे नहीं उस वक्त, इतिहास को पढ़ा, इतिहास में जो लिखा, तो ये लिखा कि भाई नवाबों को बादशाहों को कमर पूरी आधी झुका के कोर्निश की जाती थी, है ना मौलाना यासूब जी? जी जी सुनो। तब यह परंपरा, यह कसौटी उन दरबारों में कभी लागू नहीं हुई, न वाजिद अली के यहां, ना अकबर के यहां, ना जागीर के यहां, ना हुमायूं के यहां, और जिन जिनके पास कोई राजपाट बचा ही नहीं था, लाल किले से पालम तक जिनकी केवल हुकूमत बची थी, ऐसे बहादुर शाह जफर को भी कोर्निश तो वैसे ही की जाती थी। तब आपत्ति का उनका एहतराम लोग करते थे, इज्जत करते थे, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मगर देखिए अमिताभ जी, चाहे बहादुर शाह जफर हो, मेरा सवाल का भाव समझिए, नाम मैंने इसलिए नहीं लगे जनता समझ पाए, सवाल ये हम झुके ही क्यों? ये इस्लाम का सिंबल नहीं थे? मैं वही पूछ रहा हूँ, जैसे एक उदाहरण, एक और उदाहरण दे दो, सलामी दी जाती थी, झुक के उनका एहतराम होता था। मैं एक उदाहरण और दे दो, एक उदाहरण दे दो। बात ये कही जाती है कि भाई हम केवल एक खुदा को मानते हैं या एक ईश्वर को मानते हैं, चाहे हिंदू ये बोले चाहे मुसलमान ये बोले, मैं दोनों से सहमत नहीं हो पाता पूरी तरह, ना ऐसे हिंदू से ना उनसे। खुदा एक है, अल्लाह एक है, परमात्मा एक है, लेकिन परमात्मा सबसे ऊपर है, लेकिन उसके बाद भी जो अच्छे लोग हैं उनका एहतराम हम करते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, बहुजन समाज पार्टी में जितने भी हमारे मुस्लिम मित्र रहे, कोई ये कह सकता है कि मैं बिना कोर्निश किए वहां रह लिया? अगर वो कहता है तो झूठ बोलता है। समाजवादी पार्टी में जितने लोग रहे, या भारतीय जनता पार्टी में जितने लोग हैं, या कांग्रेस में जितने लोग रहे, वो पंडित जी, इंदिरा जी, राजीव जी, अब राहुल जी, कि बिना कोर्निश किए आप रह सकते हैं क्या मौलाना साहब? इसके ऊपर एतराज कोई नहीं किया, कभी किसी ने नहीं किया। मैं वही पूछ समझ, कभी किसी दरबार में एतराज नहीं हुआ। मैं बता तो रहा हूं अमिताभ जी आपको कि सब इश्यूज इसलिए उठाए जाते हैं कि एक पब्लिसिटी मिले, और ये सब चीप पब्लिसिटी है। किसी चीज को मजहब से जोड़ देना, किसी चीज को इस्लाम से जोड़ देना, मैं अपनी बात पर अभी भी कायम हूं कि इस्लाम के ऊपर खतरा नहीं है, खतरा असल में सो काल नेताओं मुल्लाओं के ऊपर है। इस्लाम खतरे में नहीं पड़ता है, मुल्लायत खतरे में पड़ती है। अमिताभ जी, ये जो मुल्ला मौलवी चीखते हैं, ये मुल्लायत खतरे में पड़ती है, इसलिए ये घबरा के बयान देते हैं पूरी तरीके से, इसलिए सामने बैनर इस्लाम का लगाया जाता है। आप तो उनके मंसूबों को हम क्यों कामयाब करें, क्यों टकराव के स्थिति पैदा करें? गायत्री जी, देखिए जहां तक के मंसूबों की बात है कि इसके पीछे कौन लोग काम कार फरमा है, कौन लोग काम कर रहे हैं, पूरी एक साजिश है जिसके तहत इस्लाम बदनाम हो रहा है। और आप देखिए कि आज हम, अफसोस की बात है कि 21 तारीख को योग दिवस है, इसको पर इस्लाम को बीच में आने ही नहीं चाहिए था, इस्लाम को लाना ही नहीं चाहिए था। और मैं कहता हूं सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार जो सूरज को खुदा समझे तो अल्लाह की लानत है उसके ऊपर। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सूरज सूरज है। और हमारे जो प्रॉफिट इब्राहिम गुजरे हैं, यानी जो 1,24,000 नबी गुजरे हैं, उसमें जनाब इब्राहिम जिन्होंने खाना काबा की तामीर की, उन्होंने अपनी, जब वो छोटे थे तो उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि मादर गिरामी, यहाँ लोग किसकी परस्तिश करते हैं, किसकी इबादत करते हैं? कहा मेरे लाल, यहाँ लोग सूरज को खुदा मानते हैं, चांद को खुदा मानते हैं, सूरज को खुदा मानते हैं। तो जनाब इब्राहिम ने सूरज को देखा और देखने के बाद कहा हाजा रब्बी, क्या ये मेरा रब है, क्या ये मेरा खुदा हो सकता है? मगर जब सूरज डूब गया तो जनाब इब्राहिम ने कहा मैं डूबने वाले को खुदा नहीं मानता, मेरा खुदा डूबता नहीं है। तो सूरज डूबता है, चांद डूबता है, सितारा डूबता है, जो डूब जाए वो खुदा नहीं हो सकता है, जो डूब जाए वो भगवान नहीं हो सकता है, वो ईश्वर नहीं हो सकता है। तो इस तरीके की बहसें करना मेरे ख्याल से इस वक्त तमाम मुस्लिम उम्मत को और सो काल जो मुस्लिम रहनुमा है इनको इस वक्त हुकूमतों से, अगर हुकूमतों में सूरज नहीं डूबता तो मुसलमानों के लिए काम करना चाहिए। ठीक, इस वक्त मुस्लिम किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है, उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे, वो लंबा विषय हो जाएगा। जिलानी साहब, क्या हिंदुत्व और इस्लाम इतने कमजोर ताना वाना है उनका कि किसी भी छोटी मोटी चीज से खतरे में आ जा सकते हैं?
कह रहे इस्लाम खतरे में, हमने तो कहा है संविधान खतरे में है। हमारी बात तो आप सुने। जी 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 जी, हमने कहा है कि आर्टिकल 28 का वायलेशन हो रहा है, हमने 21 जून का ही नाम ही ले लिया। हमने कहा है कि साहब सरकारी इदारों में कोई भी किसी भी धर्म का प्रचलन आर्टिकल 28 में प्रोहिबिटेड है, और हमने कहा है कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन आर्टिकल 28(3) का प्रोहिबिशन है। हमने कहा कहा इस्लाम खतरे में आ गया। आप इस बात से सहमत है खुद भी कि किसी स्कूल कॉलेज में किसी धर्म का प्रचार नहीं होता, नहीं होना चाहिए, कतई नहीं होना। तो उसके बाद फिर इसका सवाल कहाँ पैदा होता है। हमारी तजवीज जहाँ तक है वही तक है, वो राजस्थान के जो उस वक्त हमारी तजवीज में कहीं 21 जून का जिक्र नहीं है। नहीं जिलानी साहब, 21 जून पर तो आपत्ति नहीं। जिलानी साहब, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को 21 जून पर आपत्ति नहीं। हमारी तजवीज में हम 21 जून का हमने डिस्कस नहीं किया है। हम बोर्ड के बिहाफ पे कुछ आपसे नहीं कर सकते, हमने कुछ डिस्कशन नहीं किया है। हमने डिस्कशन किया है जफर याब जिलानी के बिहाफ पर बोल दीजिए। जफर याब जिलानी क्या मानते हैं वही बता दीजिए। अरे कोई हमें किस जून का प्रोग्राम नहीं जी साहब ने समझा होता हमको। अमिताभ जी, मैं सम्मानित जिलानी साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि योग और संविधान ये दोनों का विषय कहा आता है। योग ये जो है संविधान में, मैं तो योग का कहीं वर्णन है संविधान का वर्णन, और मैं संविधान में कहीं योग का वर्णन नहीं। जिलानी साहब कर रहे हैं, आप सुनिए हमें स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन पर जो है जो बात होती है उसके आधार पर कर ऐसा मत कहिए। जबरदस्ती अपनी जबान को किसी दूसरे के मुंह में मत डालिए। सीधी स्थिति यह है कि संविधान और योग इससे कोई मतलब नहीं है। यह जीवन की जैसे जीने की पद्धति एक आई है, इसको किस प्रकार से जिए, क्या योग करे कि ना करे। हॉस्पिटल्स में कराए जाते हैं, हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक सर्जन होता है, वह कराता है ठीक सूर्य नमस्कार का। ये जो है वो नवाहंग हॉस्पिटल में आप चले जाइए तो एक डॉक्टर जो ऑर्थोपेडिक का है वह कराता है ठीक सूर्य नमस्कार का नवा, वो उसको नहीं करेंगे क्या? तब कब कह देंगे कि इससे इस्लाम खतरे में हो जाएगा? अरे भाई, इस्लाम को इतने जल्दी खतरे में मत डालिए जिलानी साहब, और न तो इसको संविधान से जोड़िए। अलग चीज है, विश्व ने एक नियामत आपको दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह कहा है कि 21 तारीख को योग दिवस मनाइए, तो इसमें आप सभी लोग शिरकत करिए, आप सब लोग इसमें आइए और भारत का विषय बनाइए। ठीक, एक एक सवाल आबिद रजा खान से ले लूं। आबिद रजा खान साहब, जिलानी साहब ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की उस निर्णय के बारे में कुछ रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि 21 जून का मसला हम लोगों ने डिस्कस ही नहीं किया, ये जो भी बात कही गई वो राजस्थान सरकार के उस फैसले के संदर्भ में कही गई जिसमें स्कूलों में सूर्य नमस्कार अनिवार्य करने की बात थी। उस फैसले की मजम्मत, एक सेकंड सुनो भाई, सवाल सुन लो। उस फैसले की मजम्मत मैंने भी की थी। मैं जिलानी साहब को बता दूं, राजस्थान के अपने चैनल पर मैंने एक बिग बुलेटिन किया था और मैंने कहा था कि ऐसा दबाव सरकारों को नहीं डालना चाहिए, सरकारों को इस झमेले से दूर रहना चाहिए। अब बात साफ हो गई। अब आबिद रजा खान को तो 21 जून पर कोई तकलीफ नहीं, कोई आपत्ति नहीं, सब मिलके योग करें। अग्निहोत्री साहब जी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खुद अपनी जुबान नहीं बोलता है, शरीयत जो कहती है वो बोलता है। जिलानी साहब से लेकर तमाम मौजिज मुस्लिम पर्सनल लॉ के लोग वही जिम्मेदारी के साथ कहते हैं जो शरीयत कहती है। हम मुसलमान अपने मजहबी एतबार से शरीयत पर चलते हैं, और जो शरीयत का सही तरीके से पालन नहीं करता है वो मुसलमान मेरी नजर में कहलाने लायक नहीं। जावेद खान साहब, सबसे पहले तो आपको पहली फुर्सत में एक चिट्ठी लिखनी चाहिए मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को कि आप शरीयत का उल्लंघन कर रहे हैं, सरकारी मुलाजिमों को सुदर्शन क्रिया क्यों करा रहे हैं 21 जून को, वो भी सरकारी खर्चे में। यहाँ अग्निहोत्री जी मैं बता दूं जी, हमारे नेता की नियत
से किसी को ठेस नहीं पड़ रही। अरे ये ना 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 ना, ना ये करे तो ठीक है, करे तो नहीं चलेगा भैया ना। खान साहब मेरे मेरे शो में नहीं चलेगा, जबरदस्ती कर आबिद भाई मेरे शो में नहीं चलेगा। टिकट आपको अगली बार मिले चाहे ना मिले सपा की, मेरे शो में नहीं चलेगा ना। ये रिश्तेदारी वहां निभाओ भाई, मेरे शो में खरी बात होगी। ये रिश्तेदारी नहीं, मैं असलियत निभा रहा। ना 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 ना, ये दो दो चेहरे नहीं चलेंगे ना 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 ना। ये पार्टी की मीटिंग में बोलो, मंच पे नहीं, यहाँ नहीं। ये पार्टी की मीटिंग में बोलो कि नेताजी हमें आप पे पूरा भरोसा है, यहाँ तो एक ही नपना रखूंगा, उससे सबको नापूंगा। हुकूमत उत्तर प्रदेश, हुकूमत हिंदुस्तान और संविधान सबको एक ही नपने से नापूंगा। यहाँ दो नपने नहीं लूंगा कि सपा के लिए नीले रंग का हरे रंग का नपना, भाजपा के लिए लाल रंग का नपना, बसपा के लिए नीले रंग का नपना, ये नहीं चलेगा। अगर यहां योग गलत है तो लखनऊ में भी योग गलत है। नहीं, नीत और नियत देखी जाए, ये नहीं चलेगा ना। नियत का कौन सा सवाल होता है आबिद भाई, ऐसी बात मत बोलो। जफरयाब गिलानी हंस रहे हैं, बताइए आप लोग तो ऐसी बात बोल देते उससे और हास्यास्पद स्थिति पैदा हो जाती है। जगदीश साहब हंस रहे हैं, हम अरे मुकदमा तो मुकदमा तो ऐसा लड़ो कम से कम जिसमें तर्क वजनदार हो, सुनने वाले भी कहेंगे वाह वाह भाई क्या बात कही। अपन ऐसी बात बोलो, हमको पता है ना, हम भी समझ रहे हैं। एक शेर था जिनानी साहब, हम भी समझ रहे हैं तुम भी समझ रहे हो, हमको पता है कि ये क्यों नहीं बोला जा सकता कि नहीं लखनऊ में भी गलत है, उसके रिप्रकेशन हमको पता है ना। तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए मुझे लगता। ठीक है चक्रपाणी जी, बहुत संक्षेप में आखिरी कमेंट आपकी तरफ से। हमसे पूछिए तो हम जवाब दे देंगे आपको। नहीं आप तो दे देंगे, मैं तो जी देखिए हमें लगता है कि जी चक्रपाणी जी, संयुक्त राष्ट्र संघ ने जिस प्रकार से योग को मान्यता दी है तो सबको मिलजुल करके इस पे उसमें सहयोग करना चाहिए और सबको योग करना चाहिए और स्वस्थ रहना चाहिए और आत्मा और परमात्मा से जुड़ना चाहिए। ठीक है अमिताभ जी संपाद की टिप्पणी। मैं देखिए इतनी बात कहूंगा, मैं कुछ बातों से जफरयाब जिलानी जी की बात से सहमत हूं, कुछ बातें बहुत सारी बातें मुझे यासूब साहब की बहुत अच्छी लगी, कुछ बात मुझे चक्रपाणी जी की भी अच्छी लगी, शिव प्रताप जी की लगी, आबिद रजा खान थोड़ा सा दुविधा में फंस गई। और एक मसल है हिंदुस्तान में बड़ी पुरानी, इसको हिंदुत्व से मत जोड़ दीजिएगा, मसल है बस, ये मुसलमान भी कहते हैं और हिंदू भी कहते हैं, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। दिल्ली लखनऊ के झमेले में फंसोगे तो ऐसा ही होगा, न खुदा ही मिला न विसाले सनम। अरे एक को तो पकड़ लेते, खुदा ना मिले तो विसाले सनम कोई कौरिया लेते। दुविधा में दोनों गए, मैं एक ही निवेदन करूंगा, मैंने अब आपने अभी तक हमने जिलानी साहब से मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान के संविधान में क्या लिखा ये रोज रोज पढ़ने की जरूरत नहीं, हिंदुस्तान के खून में क्या बहता है उसका गवाह हिंदुस्तान हजारों साल से है। हमारे यहां एक अलिखित संविधान हमारे खून में बहता है जफरयाब जिलानी साहब, उस चंद लोगों की हरकतों से खून थोड़ी ना बदलता है। कुछ क्षण के लिए बदमजगी हो सकती है, मैं इस बात से सहमत था कि कोई सरकार को यह नहीं करना चाहिए कि यह मंत्र पढ़े बच्चे की वो मंत्र पढ़े, नहीं। अगर आपत्ति है तो आपत्ति नहीं हो तो सब ठीक। क्रिश्चियन स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, वहां जो प्रेयर होती है वो ईसाइयत की प्रेयर है, मेरा बच्चा भी पढ़ता था, मैंने आपत्ति कभी नहीं की, कुछ भी पढ़ो भाई क्या है चलो। दूसरे कुछ स्कूल है, मैं जिस स्कूल में पढ़ा जिलानी साहब वो उत्तर प्रदेश सरकार का स्कूल था, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, वहां रोज सुबह ये प्रार्थना होती थी इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर होना, और उसके बाद एक प्रार्थना होती थी सरस्वती जी की, मेरे साथ सुन लीजिए मुसलमान भी पढ़ते थे बच्चे, प्रार्थना होती थी या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्तावता या वीणा वर्दंड मंडित। लेकिन तब अच्छा यह था कि तब आज जितने समझदार लोग नहीं थे यह हिंदुस्तान की खुशकिस्मती थी, नहीं तो जाने कितने फतवे और कितने आदेश आज्ञाएं महामंडलेश्वरों की हवा में तैर जाती। मुसलमान का बच्चा भी वही पढ़ता था या कुंदेन्दु तुषार हार धवला फरुखाबाद में, किसी ने आपत्ति नहीं की, किसी के अब्बा ने आके लड़ाई नहीं की।
और किसी के पिता ने जाके मैं मिशनरी स्कूल में लड़ाई नहीं की कि ये इशू क्या है, नहीं की। शायद आज जितने काबिल लोग नहीं थे तब हिंदुस्तान में, लेकिन मैं कहूंगा हिंदुस्तान तब अच्छा था, तब ज्यादा काबिल था। आज छोटे मन का हिंदुस्तान हो गया, छोटे मन का। जेब तो बड़ी हुई खान साहब, जेब तो बड़ी हुई, हिंदुस्तान की आर्थिक ताकत तो बढ़ी जिलानी साहब, चक्रमाणी जी, लेकिन हिंदुस्तान का मन छोटा कर दिया लोगों ने। ये बहुत बड़ा संकट है, जान लीजिए। नहीं तो मुझे बताओ, मेरे साथ मुझे आज तक नाम याद है उन बच्चों के, मुश्ताक खान पढ़ते थे हमारे साथ एक, वो भी यही प्रार्थना करते थे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि रुको एक सेकेंड, मेरा मजहब इजाजत नहीं देता। नहीं, मेरे बेटे ने कभी नहीं कहा जाके कि नहीं यहां हम यीशु की प्रार्थना नहीं गाएंगे, कभी नहीं कहा। वो आया बोला पापा, जब वो छोटा था तो उसने कहा पापा यीशु भी बहुत अच्छा काम किए दुनिया के लिए, मरियम भी मां है, अच्छी बात है, इसमें क्या है, क्या हिंदू तो खतरे में आ गया अगर मेरे बेटे ने यीशु को भी अच्छा मान लिया, ये राम छोटे हो गए उससे। मैं जिलानी साहब से एक दरख्वास्त करूंगा, जिलानी साहब खुदा खुदा होता है, बाप बाप होता है, लेकिन चाचा ताऊ का भी अदब होना चाहिए, मौसा फूफा का भी अदब होना चाहिए, मौसी और बुआ का अदब भी होना चाहिए। ये हिंदुस्तान की रवायत है। हम बादशाहों के सामने झुक सकते हैं, हम पार्टी के मुखियाओं के चप्पल उठा सकते हैं, एक अदद पार्षदी की टिकट के लिए इस पॉन्टेक कमर की रीढ़ की हड्डी टूट जाए लेकिन उतना झुक जाएंगे। ये वैसा वाला झुकना नहीं है जो दुष्यंत ने कहा था, जिरण साहब बोझ से झुककर कमर दोहरी हुई होगी, मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा ना, सजदे में मैंने झुकते देखा। एक सांसद जी थे, उन्होंने एक दिन लोकसभा में पखेड़ा खड़ा कर दिया। मैंने शाम को एक टीवी चैनल पर उनसे कहा, मैंने कहा मित्र हम और आप तो मायावती जी के निवास पर कई बार आमने सामने टकराए हैं, मैंने आपकी कोर्निश देखी है, आपका सजदा देखा है, आप कौन से कुरान लेके आए हो, आप हमको समझा रहे हो? नानी को ननिहाल का किस्सा बताना ठीक नहीं। लखनऊ कहे योग करो तो, उत्तर प्रदेश दिल्ली कहे योग करो तो कम्युनल, उसकी नियत पर शक। लखनऊ में कलेक्टर और कप्तान योग करे तो नियत ठीक। एक भाषा बोलिए, मैं सबसे निवेदन करूंगा, एक भाषा बोलिए और दुनिया देख रही है। इस प्रसंग को दुनिया देख रही है। छोड़िए ना हिंदू कहे कि इससे परमात्मा मिलेगा, मैं चक्रपाणी जी से भी निवेदन करूंगा, प्रभु दया करो महाराज, परमात्मा से मिलने के सैकड़ों रास्ते हैं, योग से परमात्मा मत मिलाओ ना। और जिलानी साहब से भी निवेदन करूंगा, मेरे मालिक इससे अल्लाह को खतरा मत बताओ ना, ये विशुद्ध शारीरिक मानसिक क्रिया है, इसको उतनी ही खुशी से होने दीजिए, इसमें अल्लाह और परमात्मा को बीच में मत लाइए। आपके पास अजान है, नमाज है अल्लाह को खुश करने के लिए, हमारे पास हवन है, पूजा है, जप है, तप है, योग को उसमें मत घसीटिए ना। आत्मा परमात्मा का शब्द बोलेंगे तो टकराव शुरू हो जाएगा, इतना छोटा मन हो गया, मत बोलिए चक्रमाणी जी। कस्तूरी कस्तूरी रहेगी, उसका नाम बदल के अगर आप बिस्कुट भी रख दो तो भी उसमें खुशबू ही आएगी ना। जिलानी साहब अगर नाम पर टकराव है तो बदल देते हैं किसी की खुशी के लिए, कोई दिक्कत नहीं। हिंदुस्तान इतना छोटा कभी नहीं रहा, कभी छोटा नहीं रहा। और जिलानी साहब जहां रहते हैं ज्यादातर वक्त लखनऊ में, वहां हनुमान जी का मंदिर किसने बनवाया, बड़े मंगल की प्रथा किसने शुरू की? इस देश संविधान के, संविधान तो बाद में आया, इस देश के खून में एक अलिखित संविधान बहता है, उसकी मर्यादा रखनी चाहिए। यासूब साहब ने बहुत अच्छी बात कही, हिंदुत्व तो इतना छोटा नहीं, इस्लाम इतना छोटा नहीं कि कोई माई का लाल उसको खतरे में ले आए। ये भरोसा रखिए अपने अपने धर्म पर, अपने अपने मजहब पर, और दोनों हाथ खोलकर योग का स्वागत कीजिए।
ये लाइफ स्टाइल से जुड़ी जितनी बीमारियां हैं, इनका हिंदुस्तान जैसे गरीब मुल्क में अगर कोई निदान है सबसे सुंदर, तो वह योग है। गरीब आदमी फिजियोथेरेपिस्ट नहीं रख सकता, बहुत पैसा लगता है खान साहब। 500 रुपए एक विजिट का लेता है, मेरे गांव का ननकू कैसे कर लेगा? इसलिए उसके लिए जरूरी है, इसमें सहभागिता करिए। देश के माथे पर विवाद का टीका नहीं लगे, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। चक्रपाणी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आबिद रजा साहब आपका, जिलानी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शिव प्रताप शुक्ला जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, यासूब साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अमिताभ जी आपका भी शुक्रिया। बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए समाचार प्लस।